नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ये मशीन के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ में इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों इस मशीन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और कहाँ कहाँ इस मशीन का हम यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस मशीन को कहा जाता है आटा ग्राइंडिंग मशीन। आप किसी भी चीज़ का इसमें आटा बना सकते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है परवलाइजर ग्राइंडिंग मशीन और यहाँ पर हम सारी चीज़ें वन बाय वन देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम इसमें देखने वाले हैं कि मशीन में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है। तो दोस्तों इस पार्ट को कहा जाता है होपर। यहाँ से आप किसी भी माल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस पार्ट में आप देखेंगे दो होपर का एक सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप माल डालेंगे तो ये कम्प्लीटली भर जाएगा और यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख पाएंगे, इसे कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से माल जाएगा और जो कि यहाँ पर निकलेगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक आटा पीसा था टेस्टिंग मोड में, वो कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होपर और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे ये है 10 HP का मोटर और यहाँ पर बहुत ही हैवी ड्यूटी मोटर है ये, जो कि 10 HP का मोटर है। दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पुल्ली है और उसके ऊपर भी आप देख पाएंगे ये है छोटी पुल्ली, राइट। दोस्तों यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, ये जो पुल्ली है यहाँ पर ये की लगी होनी चाहिए और साथ ही साथ में जब भी आप मशीन चलाते हैं तो सारे नट बोल्ट एक बार आप ध्यान से इसे टाइट कर लें, अदरवाइज एक एक्सीडेंट होने की शक्यता हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर ये छोटी पुल्ली है और दो बेल्ट भी आपको मशीन में मिल जाता है, जो कि हैवी ड्यूटी बेल्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रहा ये पुल्ली और बेल्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही गजब का सेक्शन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसे ये ऑयल कंट्रोल भी हम देख पाएंगे। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा ये है ऑयल सेक्शन। अगर आपका ऑयल बढ़ गया है या घट गया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ऑयल कम है, बट इस तरीके से आप यहाँ पर इंडिकेट जान पाएंगे ऑयल भरा हुआ है कि नहीं। अगर ऑयल खाली होने वाला होगा तो आप इजीली यहाँ से जानकर इसे फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ऑयल वाला सेक्शन और अभी आप ऑयल कहाँ से डालेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर आपको बोल्ट नजर आ रहा है, आपको इसको जस्ट खोल देना है और ऑयल इसके अंदर आप फिलअप करेंगे तो ये पूरा जो टैंक है ये भर जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी मात्रा भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ओके। तो दोस्तों ये था ऑयल वाला सेक्शन। अभी दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ मशीन में और क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों आपको मशीन के साथ में दो कपड़े मिल जाते हैं। एक ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ये कपड़ा है खास, यानी कि जो भी एयर वगैरह होता है एयर को मैनेज करने के लिए ये वाला कपड़ा यूज होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर सेकेंड वाला एक कपड़ा दिख जा रहा है, ये वाला जो कपड़ा है यहाँ पर जो प्रोडक्शन निकलता है वो इसमें आके रुकता है। तो दोस्तों ये मशीन के साथ में आपको दो कपड़े भी दिए जाते हैं जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों मशीन के साथ में और क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे ये है जालियां जहाँ पर आप इजीली मटेरियल को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये पहली जाली है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दूसरी जाली है, इसमें लिटिल बिट थोड़ा सा होल बड़ा है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये तीसरी जाली आप देख सकते हैं, सारों का साइजिंग और होल्स वगैरह थोड़े बड़े हैं और इसी प्रकार से ये छोटे होल वाली है, ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों ये अदर जाली है। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के यहाँ पर 5 जालियाँ दिख रही हैं और एक छठी जाली जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मशीन के अंदर लगाई हुई है और साथ ही साथ में आपको ये जालियाँ यहाँ पर दी जाती है। तो जिस मात्रा में और जिस साइज में आपको यहाँ पर आटा निकालना है आप उस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक सपोर्टर मिल जाता है, मशीन के नीचे आप इसे लगा देंगे ताकि जो आपकी मशीन है वो हिले नहीं। बहुत ही हैवी ड्यूटी आपको यहाँ पर ये सपोर्टर्स मिल जाते हैं जिससे कि आपकी मशीन वाइब्रेट ना हो। जैसे आप देख सकते हैं इस मशीन का ये जो सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पर ये चीज़ें लग जाती है, जिसे जहाँ तक कहा जाता है वाइब्रेटर आपकी मशीन को वाइब्रेट होने से बचाती है ताकि आप ये चीज़ें लगा सकें। इसमें ये 4 वाइब्रेटर्स भी आपको मिल जाते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको चेंबर्स वगैरह दिखाने जा रहा हूँ, इसमें चेंबर किस प्रकार का दिया है जहाँ पर हम आटा पीस सकते हैं और साथ ही साथ में अदर चीज़ें भी पीस सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इसे इस तरीके से खोल देना है। जैसे आप खोलेंगे तो आपका ये चेंबर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर आटा वगैरह पीसा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल नज़र आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पाएंगे ये चेंबर में आटा यहाँ पर मिल रहा है। अभी दोस्तों इसके बाद चैम्बर में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे चैम्बर का आप देखेंगे
इसमें 6 ब्लेड वाला आपको फर्स्ट चैम्बर दिख जा रहा है। वैसे ही आप पीछे जो देखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये वाला जो साइड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर भी एक चैम्बर अवेलेबल है जो कि आपको 4 ब्लेड वाला मिल जाता है। तो फर्स्ट चैम्बर के अंदर आपको 6 ब्लेड मिल जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर 3 ब्लेड है और नीचे भी आपको 3 ब्लेड मिल जा रही है, और अंदर के साइड में आपको 4 दूसरी ब्लेडें मिल जाएंगी, जिससे कि आटे की क्वालिटी या मसाला जो भी आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही फाइन एंड ट्यून आए। तो दोस्तों ये रहा वो चीज, और यहाँ पर आप इजीली इसे बंद कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रेस करके आपको इस तरीके से इसे बंद कर देना है, तो आपकी ये जो चैम्बर है इस तरीके से लॉक लग जाएगा। तो दोस्तों ये था सेक्शन जहाँ पर मैंने आपको मशीन समझाई किस तरीके से मशीन अवेलेबल है और क्या क्या इसके फीचर्स है। अभी दोस्तों हम इस मशीन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो चीजें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 7.5 HP का मोटर, 10 HP का मोटर और 15 HP का मोटर मिल जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार का आपको मोटर अपग्रेड करना है आप कर सकते हैं, और करंटली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 10 HP का मोटर। और अगर 10 HP मोटर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पिसाई का कैपेसिटी है वो है 120 kg से लेकर 140 kg तक का आप अप्रोक्स मटेरियल यहाँ पे प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और अगर दोस्तों आप अगर 7.5 HP का मोटर लगाते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्शन आपको मिलेगा 80 kg से लेकर 100 kg तक का आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल जाएगा। तो दोस्तों 7.5 HP का अगर लगाते हैं तो ये होगा, और अगर दोस्तों 15 HP का मोटर लगाते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा 140 kg से लेकर 170 kg तक का प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मशीन का, तो जो मशीन डेवलप किया गया है ये हैवी ड्यूटी MS फैब्रिकेशन में डेवलप किया गया है, जो कि बहुत ही हैवी मटेरियल होता है, जिससे कि आपका मशीन लॉन्ग टर्म चलने वाली मशीन बन जाए, और साथ ही साथ में आप इस मशीन को लॉन्ग टर्म चला के अच्छा खासा रुपया कमा सकें। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये मशीन का पर्पस, यानी कि ये मशीन कहाँ कहाँ यूज होती है उसके बारे में आपको बता दिया जाए, तो दोस्तों ये जो मशीन है आप इसे होटल पर्पस में यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में अगर आपका कैटरिंग का बिजनेस है तो आप ये कैटरिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप मसाला इंडस्ट्री वगैरह चालू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मशीन के थ्रू आसानी से मसाले का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे फार्मा के अंदर केमिकल इंडस्ट्री आती है, अगर कोई केमिकल को अगर ग्राइंडिंग करना है तो वो सारी चीजें भी इस मशीन के थ्रू आप आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों बात करें किसी भी प्रकार का, जैसे छोटा लघु उद्योग है जहाँ पर पूड़ी वगैरह बनते हो, खाने की चीज़ें बनती हो, तो दोस्तों वहाँ पर भी आटे का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें होती है जिसे पीस कर बनाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर वो मशीन अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल कर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था इसका प्रोडक्शन पार्ट जहाँ पर मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस मशीन में आपको 2 ब्लेड्स मिलती हैं, इसमें 2 चैम्बर कहा जाता है, एक ब्लेड है जो कि 6 ब्लेड आपको मिल जाती हैं और अंदर आपको 4 ब्लेड दूसरी मिल जाएंगी। अच्छा अगर हम बात करें इस मशीन में, तो दोस्तों आप क्या क्या चीज़ें इसमें पीस सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इस मशीन के थ्रू आप गेहूं पीस सकते हैं, चावल पीस सकते हैं, मक्का पीस सकते हैं, साथ ही साथ में ज्वार वगैरह पीस सकते हैं, अगर आप चाहें तो बेसन वगैरह भी पीस सकते हैं इस मशीन में। किसी भी प्रकार का जो आपको अनाज पीसना है वो सारी चीज़ें आप इस मशीन में पीस सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन को बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से मशीन चलाया जाता है और कैसे इसका प्रोडक्शन निकलता है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, ताकि दोस्तों आपको परफेक्ट आइडिया आए, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अभी हम आपको जा रहे हैं आटा पीस के दिखाएंगे कैसे आटा पीसा जाता है, ताकि दोस्तों आपको परफेक्ट आइडिया आए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख पाएंगे ये है मटेरियल, यहां पर ये गेहूं है जिसे अभी हम पीसने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मशीन स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप सिंगल फेस एंड 3 फेस एंड सिंगल फेस वाली मशीन होती है, तो ये 3 फेस वाली मशीन है जिसे अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिंपली मशीन स्टार्ट कर देना है और अभी दोस्तों इसका देखने जा रहे हैं किस प्रकार से प्रोडक्शन निकाला जाता है।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्शन निकला है, ताकि दोस्तों आपको परफेक्ट आइडिया आए। यहाँ पे हमने गेहूं को पीस लिया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोडक्शन किस प्रकार से निकला हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पर अच्छी तरह से इसे पीस दिया गया है इस मशीन के थ्रू। और दोस्तों अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों आप भी चाहें तो आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रुपया कमा सकते हैं बाय दिस मशीन। और ये बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, इसके थ्रू आप बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं और उसका प्रोडक्शन निकालने के बाद आप अच्छा खासा रुपया कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये मशीन बाय करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको टीम सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि टीम आपकी हेल्प कर सके। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर देखते हैं कुछ नया। स्टे ट्यून्ड।